साथियों नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेषाधिकारी आरती मैम डोगरा जी से हमारी बात हुई है और कई बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई है। क्योंकि हम पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक कैडर से हैं, इसलिए मैं सबसे पहले मैं उनकी बात रखना चाहूँगा। उनके संदर्भ में मैं आज हमने जो प्रमुख जो बात रखी है वो बात रखी थी कि आज जो पूर्व अनुभव जो जोड़ने की जो बात चल रही है उसमें विद्यार्थी मित्र अनुभव एवं अन्य अनुभव जो हैं वो अनुभव इसमें जुड़ने चाहिए। इस बिंदु पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि एजुकेशन सेक्रेटरी को हमने कुछ निर्देश दिए हैं और इसके लिए साथियों आज हमने यहाँ से एक टीम गठित की है और वो टीम यहाँ से बीकानेर के लिए जा रही है और जिस तरीके से निर्देश वहाँ से जो टिप्पणियाँ मांगी जा रही है हम चाहते हैं कि इस कार्य में किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं किया जाए और ये काम जल्द से जल्द हो। और हम चाहते हैं क्योंकि हमने 15 वर्षों से संघर्ष किया है तो विद्यार्थी मित्र अनुभव कम से कम इसमें जुड़ना चाहिए। किसी भी सूरत में इसको हम पीछे नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए आज हमारी एक टीम रामजीत पटेल और खेमंत गिठाड़ा और सावल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बीकानेर के लिए हम रवाना कर रहे हैं। साथियों मैं आगे के लिए कहना चाहूँगा, दूसरे बिंदु पर जो हमारी बात हुई है, हमारे कई अप्रशिक्षित साथी हैं वो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और ये बात रख रहे हैं। आप लोगों की हमने बात रखी, उन्होंने कहा भी ये फाइल आपकी रनिंग में, ये काम आपका प्रयास में चल रहा है। एक मुख्य बात जिसके लिए आज हम संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर हमारा धरने का चौथा दिन होने के जा रहा है उसके संदर्भ में आज खुलकर हमारी बात हुई है कि IAS पैटर्न में संशोधन करके किस तरीके से राजस्थान सरकार समस्त 110,000 संविदा कर्मियों का स्थायीकरण करने जा रही है। तो साथियों मैं इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्व की बात ही मैडम ने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में इसमें हमें कहा है, हालांकि इसमें संशोधन की हो सकता है कोई गुंजाइश हो और उनके अंदर कहीं कहीं कोई मंशा हो, लेकिन मैं इसके मामले में क्लियर खुलकर कहना चाहूँगा कि जब तक कोई चीज़ बाहर निकल कर नहीं आती तब तक हम नहीं मान सकते कि हमारे IAS पैटर्न में हमारी मांग अनुसार कोई संशोधन होगा। इसलिए हमने तो एक बार आज फिर हमने ये निर्णय ले लिया है कि यह धरना अनवरत रूप से जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है और जब तक सभी 110,000 साथियों का संविदा कर्मियों का स्थायीकरण नहीं होगा, यह आंदोलन यह धरना अनवरत रूप से जारी रहेगा। और मैं इसके लिए पूरे राजस्थान के समस्त 110,000 संविदा कर्मियों का आह्वान भी करूंगा कि इस धरने को हम बहुत जल्द मापड़ाव में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इसमें जल्द से जल्द आप लोग पहुंचे। भाई खेमंत गिठाला और तमाम हमारे अन्य 5-7 साथियों के साथ में एक टीम बीकानेर रवाना हो रही है और क्योंकि एक टिप्पणी है विद्यार्थी मित्र के अनुभव को लेकर, उस टिप्पणी के बारे में वहाँ वो चीज़ लेके आनी है, क्या करना है, वो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए शुभ संकेत है विद्यार्थी मित्र के अनुभव को लेकर कि आपका अच्छा होने जा रहा है। लेकिन जो मूल लड़ाई है अभी भी स्पष्ट तौर पर चाहे CHO के साथी हैं, चाहे मदरसा वगैरह टीचर्स के हैं, चाहे पंचायत राज के हैं, लेखा है, IRG भाई है ना, अकाउंटेंट हैं, चाहे NRHM के साथी हैं, स्पष्ट तौर पर आरती डोगरा मैम ने एक बात कही थी कि विद्यार्थी मित्र के मामले में उन्होंने कहा था कि जब मैं बीकानेर में आप लोगों के धरने चलते थे, मुझे अच्छी तरह याद है आप लोगों के बहुत धरने चलते थे, इसलिए मेरे ध्यान में है आपकी बात। बिल्कुल आपने मुख्यमंत्री जी को मेरे सामने बात रखी थी CMR में जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो वो उनके ध्यान में था। बूंदी में जब वो कलेक्टर महोदया रही तो उन्होंने कहा कि विद्यार्थी मित्र पहले मानदे बढ़ाने के लिए आते थे, लेकिन अब स्थायीकरण के रास्ते जा रहे हैं, लेकिन हमने पूछा मैम कब होंगे तो वो कह रहे हैं हो जाएंगे 3-4 साल में। कुल मिला के सरकार की मंशा साफ नहीं है, इसलिए साथियों ये विपर्जय तूफान आए चाहे कुछ भी आए अब आपको अपना तूफान जगाना है। अगर घरों में रहे 24 तारीख को विद्यालय खुल जाएंगे, आप विद्यालयों में चले जाओगे और ये जो धरना दोबारा जीवन में नहीं लगने वाला, ये इस सरकार का अंतिम धरना है। अगर आप घर रह गए तो यह समझो कि एक कहावत है कि सुरक्षा चक्र टूटा या दुर्घटना से देर बली, तो आप दुर्घटना के रास्ते पे जा रहे हो। अगर सही रास्ते पे आना है तो आप लोग अपने घरों को छोड़ दें। खासकर जयपुर के साथियों से निवेदन करूंगा, बस्सी, चाकसू, जालसू, आंधी, जम्मा रामगढ़, फागी, कोटपुतली, जो जयपुर के साथी आज दौसा करौली जो लगभग 250-200 किलोमीटर के साथी हैं वो रोज़ धरने पा सकते हैं और घर जा सकते हैं। CID के मार्फत आपके धरने की 3 दिन की कंप्लीट रिपोर्ट पहुंच चुकी है, उसी के दबाव में सरकार ने आज वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन हम इस वार्ता को पूर्ण तरह सफल नहीं कह सकते और हमारे धरने को कंटिन्यू लगातार जारी रख रहे हैं। राम जी